है दैट दिन भर का वन डे रेंट दिन भर का? हाँ, ये तो 30 सेकंड का 400 रुपये लेते हो। दिन भर के लिए नहीं मिलता, मतलब एक आध ट्रिप के लिए दे दो। सेंटर जेल, लाइट हाउस, विजय मंडल। सेंटर जेल? सेंटर जेल को कहाँ पास है? अब थोड़ा अचानक उसको डाल दिया, उसके घबरा गए। सोचूंगा, फिर मूड बनेगा तो बताऊंगा। ये जो आज का आप लोग मेरा वीडियो देखने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं कई दिनों से बॉम्बे से मैं मेल से आप लोगों को स्कैमर के बारे में बता रहा था, ट्रेन स्कैम और फला ढिमका और बहुत जगह जहाँ अपन लोगों को दिखाई देता था, आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही मैं गोवा पहुँच गया हूँ और गोवा के भी कई वीडियोज़ डाल चुका हूँ, और उसके साथ में आज मैं एक नया वीडियो फिर से आप लोगों के पास में लेके आया हूँ। ये वीडियो है कलंगूट बीच का, और इस बीच के मैं आप लोगों को सारे स्कैम और सारी चीज़ें बताने वाला हूं, और जिसमें स्पेशली एक सबसे ख़तरनाक स्कैम है वो है चाटू स्कैम। मतलब यहां पे आप लोग जैसे ही पहुंचने वाले होंगे या पहुंच जाएंगे तो यहां पे आप लोगों का दिमाग चाट चाट के आप लोग भरता बना देंगे, मतलब आपकी दिन भर की वो वक्त है पूरा कंसंट्रेशन पूरी चीज़ें आप भूल जाएँ, और एक ही ट्रिप को एक ही चीज़ों को कई सारे लोग आके आपकी स्कीम देंगे, रेट कम करेंगे, बोलेंगे आप कर लीजिए ये कर लीजिए, मतलब आपको चाहो कि शांति से कहीं पर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, तो हो सकता है आप लोगों को खड़े भी होने का मौका मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल होगा। और उसके साथ में कई सारे कहा जाए तो एक्टिविटीज़ तो छोड़ी, यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले, बैठने की जगह वाले, मतलब कि बस सही समुंदर ही ऐसा है जो आप पे बोल लेगा नहीं, उसकी लहरें चलेंगी, जिसकी आवाज़ सुनाई देंगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों को थोड़ा दूर दूर में कई सारे इंसान जो बिना बैग टांगे हुए खड़े होंगे, जिससे समझ में आ जाएगा टूरिस्ट नहीं, यहाँ के लोकल लोग हैं, अगर आप लोग उनके पास जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं जाएंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे और आपसे सीधे पूछेंगे आप भैया ये कर लो, आप वो कर लो, आप इसका कितना पैसा दोगे, आइए हम आपको बोट से वहाँ छोड़ देते हैं, ये दिखा देते हैं, वो कर देते हैं, आपका मन हो ना हो, आपको वहाँ जाना है नहीं जाना, आपकी तबीयत सही है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। फुल टू बिजनेस, मतलब कि कहा जाए तो वो बिजनेस, वो भी ऐसा बिजनेस कहा जाए तो चाटू बिजनेस, की दिमाग चाट चाट लो, ज़बरदस्ती एकदम पूरा पीछे पड़ जाओ लोगों के और उनको ज़बरदस्ती ले जाओ, ज़बरदस्ती घुमाओ, सेंट्रल जेल दिखा दो, कुछ भी कर दो। और ऐसा भी है कि मतलब जान जोखिम में भी कई जगह पड़ सकती है आपकी, अगर आपका लाइफ जैकेट अच्छा नहीं, कहते लाइफ जैकेट अच्छा भी है आपको समुद्र के बीच में फेंक देंगे, और कोई लाइफ जैकेट पहना रहेगा तो समुद्र में तैरता रहेगा, समुद्र में तैरेंगे तो हम समुद्र में खाएंगे क्या, धूप लगेगी, उससे भी तो आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये चीज़ समझने वाला नहीं, उनका कहना सीधा है कि आपको लाइफ जैकेट पहना देंगे और आपको बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं समुद्र के बीच में, हम आपको फेंक भी देंगे, मतलब बोट पलटा देंगे, कुछ गिरा देंगे, कुदा देंगे, आपका मन हो ना हो। उसके बारे में खैर पूरा वीडियो मेरे पास है जिसकी मैं पूरी एक्टिविटीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में और इन एजेंटों से चर्चाएं की थी कि भाई एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक आपकी ये केला ड्राइव होती है, उसमें केले के ऊपर 3-4 लोगों को बैठा देते हैं, 4-5-6 लोगों को सीट होता है, और केले में कुछ नहीं होता, मतलब कुछ कवरेज नहीं होता, ना कुछ मोटर लगी होती, उसे एक मोटर बोट होती है वो खींच के स्पीड से ले जाती है, मोटर बोट खूब तेज़ी से घूमती है, तो बैलून टाइप का केला होता है जो कि अपने अनबैलेंस होने की वजह से वही पलट जाता है, जो आपको पता नहीं होता कब पलटने वाला है और आप पलट के समुंदर में बहने की कंडीशन में आ सकते हैं, आपको पता नहीं, आप तैरते नहीं बनता, समुंदर से डर लगता है, चारों तरफ पानी ही पानी है, कई बार तो समुद्र वगैरह में शार्क अटैक वगैरह भी आप लोगों ने देखे होंगे, मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है जो कि हमारी उम्मीद और हमारी सोच से भी बहुत परे था। ये आप लोग जो रास्ता देख रहे थे पूरा का पूरा रास्ता अभी कलंगूट बीच में हम लोग पहुँचने ही वाले वहाँ का था, साइड सीन आप लोग देख रहे थे कलंगूट बीच की जो गलियाँ थी उसमें मार्केट बना हुआ था। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग पर्सनल और अगर आप लोग इंडिया के हैं और आप लोग अपने घर के लिए कुछ ड्रेसेस और कपड़े खरीद लाएंगे इस मार्केट को देखते हुए, तो आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ड्रेसेस मिलती हैं वो सिर्फ आई लव यू गोवा के लिए मिलती हैं, मतलब सिर्फ आप लोग गोवा पे ही पहन सकते हैं, बीच पे पहन सकते हैं, लेकिन ये इंडियन ड्रेसेस नहीं है, इंडियन कल्चर के हिसाब से कोई भी ड्रेसेस कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, मतलब अगर आप लोग कुछ भी खरीद लेते हो यहाँ से जोश जोश में खुशी खुशी में तो वो आपकी वेस्ट ऑफ मनी होगी, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है आई लव यू गोवा, छोटे छोटे ड्रेसेस मिलती है, लड़के हैं लड़कियों, लड़कों के लिए चड्ढे मिलते हैं, लड़कियों के लिए भी और छोटे चड्ढे मिलते हैं, वही पहन के आप लोग बीच में घूमो, नहाओ, तैरो, कुछ भी करो, लेकिन वो आपका दोबारा वो ड्रेसेस काम नहीं आने वाली 100% गारंटी के साथ, और जिनकी कीमत होती है मार्केट प्राइस से डबल से ट्रिपल रेट पर होती है, मतलब ये है कि बस आप लोग जा रहे हो खर्चा करना है गोवा में, खर्चा कर देना है तो बस कर देना है, बस उस हिसाब से जाना है, और खर्चा करने में मुझे दुख सिर्फ इस बात का लगा, मेरे को खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं कि चलो घूमने हैं टूरिस्ट प्लेसेस, 100-200 रुपये ज़्यादा देने का गम नहीं होता, यहाँ पे कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारी ऐसी मॉल हैं, शॉपिंग्स हैं, सेंटर हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स के हैं और विदेशी लोग हैं और विदेशी यहाँ पर रहते हैं, जो मुझे थोड़ा सा सूट नहीं किया, मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे लगा कि यार अपने लोगों को पैसे दे दो, चाय पी लो, समोसा खा लो,
ऑमलेट खा लो वो सही है, लेकिन हम यही 400 रुपये 500 रुपये का बीच ही किनारे बड़े बड़े होटल्स खुले हैं उनमें खाएंगे, लेकिन वो सारा का पैसा चला जाएगा विदेशियों के पास। तो मुझे नहीं लगता कि हमें जाके वहाँ पे अंग्रेज़ों की शॉपिंग करनी चाहिए, अंग्रेज़ों के लिए पैसे देने चाहिए। इसके लिए आप लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, आप लोगों को लगे कि लोग देखने में देसी लगते हैं, अंग्रेज़ तो है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ देखने में देसी लगते हैं लेकिन वो लोग फिर भी अंग्रेज़ होते हैं। देखिए हम लोग अभी पहुँच चुके हैं बीच के किनारे, ये है कलंगूट बीच। इस सीन को और इस चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैंने सारी एक्टिविटीज़ के प्राइस भी बताए हुए हैं, इनसे लोगों से पूछ पूछ के सारी इंक्वायरी भी की हुई है, जो कि वीडियो के स्टार्टअप में आप लोगों ने देखा हुआ था। और देख रहे हैं सब लोग कैसे शुरू करते हैं। पैराशूट का कितना लेते हो? 50 रुपये। कितना पैसा लेते हो पैराशूट का? पैराशूट का 1000 रुपीज़ सर। 1000 कॉम्बो करेंगे आपको बोले तो रहेगा कॉम्बो उसमें बनाना बम्पर बाइक पैरासेलिंग नहीं सर हाँ अभी नहीं बोल ना बोल दूंगा बिले नहीं तुरंत घुमा ले जाएगा आपको। कितना लगेगा उसका? उसका 300 लगाएंगे आपको पूरा अंदर तो जाएंगे बड़ा बोल ये सारी पैकिंग है थोड़ी उसके बाद घुमा ले जाएंगे आपको। ये ओपन बोर्ड खड़ा ये सारी बोर्ड है और जो स्कूटर वाला रहता है वही है ना इसका इसका 500 है सर इसमें आपको सही रहेगा ये रेगुलर बोर्ड है आपको गिला भी नहीं होगा पूरा अंदर तो जाएगा ये सारे बोर्ड दिखा रहे सारे बोर्ड पीछे लगा घुमाते आपको। ठीक है भैया बता तो थोड़ा घूम लें हम लोग अभी क्या चाहिए अभी सुबह में आके नहीं बढ़िया घुमा भाई थोड़ा घूम लें हम लोग पैदल तो आने बहुत तो पैसा जाके आ जाओ अभी देखो पैसा ना बोलो नहीं थोड़ा सा घूम ले फिर बताते हैं। जाओ आज सपना पूरा कर लो आज सपना पूरा कर लो नहाने का समुद्र का अभी नहीं छोड़ लिया चाहिए होगा तो बताऊंगा। हाल मन हो पानी भी साफ है इतना गंदा नहीं है बच्चे लोग बह जाएंगे तो पता नहीं चलेगा सबके चेहरे में कितनी स्माइल है नहाने के बाद यहाँ आने के बाद सब सब मैंने टाइमिंग ऐसा है ना स्कूटर का 500 पैरा सीलिंग का 1000 और इसका 300 कितना हुआ 1800 3400 में ठीक है ना हम लोगों ने दो लोगों को सब कुछ करवा दिया पहले तो छोड़ना पड़ा एक्टिविटीज अलग ना हो पाएगा भाई जाने दो छोड़ दो भाई छोड़ दो नहीं करनी याद है हम लोग भुक्त भोगी हैं कल गए थे एक जगह बनाना ड्राइंग में जिंदा वापस आ गए आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा है नहीं तो मना किए तो भैया पलटाना नहीं तो भी पलटाया दो बार पलटाया एक बार बीच में पलटा दिया आप दो लोग हो गए और जो अदर वाले हो गए वो कहेंगे मेरे को पलटाओ 5 से 7 लोग जाता है नहीं 3 ही लोग थे दो उसका आदमी से 2 लोग का एक बार तो बीच जाके वो बोट है ना वहाँ पे वहाँ पलटा दिया फिर एक बार अरे भैया नाव में पानी भर रहा ऐसा अचानक डालता है ना तो पानी अंदर चला जाता है भाई तो अचानक ही डाल दिया था हाँ बोल के डाले ना तो पानी अंदर नहीं जाता तब ऐसे खतरा कौन ले लो बहुत रिस्क रहता है जिंदगी अरे भैया इतना सब तो कैपी से क्लीन होता है आदमी डरता भी है डर की बात है
करे ना तो इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेशल लाइफ जैकेट रहता है। अब आदमी घूमने तो बच्चा बच्चा को सी फ्लोटिंग कराता है, जितना ये बोटिंग है उसे नीचे ले जाके लाइफ जैकेट डाल के और कहता है जंप कर जाओ, और जंप करने के बाद बोट जा रहा है, वो वाला बोट गया है जो भी छूटा उधर से, उधर देखिए आगे आगे आधा बंदा लुक देगा। नहीं हमसे ना हो पाएगा, हो जाएगा। देखो नहीं 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 आप करना है, देखो ऐसे पानी में फ्लोट रहता है, मैं ये लाइफ जैकेट की वजह से ऊपर ही रहेगा, पानी में जाएगा ही नहीं। डर लगता है, सिर्फ ये है कि आप थोड़ा अचानक उसको डाल दिया इसलिए घबरा गए। सोचूंगा फिर मूड बनेगा तो बताऊंगा। बड़ा बोट है इसमें पानी नहीं आता, बोट में सिर्फ एक राउंड लेके आता है, चलिए देखते हैं अगर मूड बनता है तो बताऊंगा। ₹200 देके हमें जान नहीं देनी अपनी। यहाँ लेगा इसके अलावा जगह भी नहीं बैठती है, छाया भी है, पूछ लेते हैं लेता है। बड़ा बोट जा रहे हैं 2 घंटे के लिए, डॉल्फिन साइट सीइंग देखने के लिए क्या आएगा? डॉल्फिन रहता है समुद्र में, रियल डॉल्फिन आपको 4 से 5 बार दिखाएगा, बाद में आपको साइट सीइंग दिखाएगा। अगोड़ा पोर्ट, सेंटर जेल, लाइट हाउस, विजय महल, सेंटर जेल को कहाँ पास है वो पार्क के पीछे लेके जाएगा, इधर एक पार है, अब ये है नहीं है। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। क्या बोलते रहोगे? बैठो इधर, बैठो बैठने टाइम कितना लगता है? कोई चार्ज नहीं है, जो खाएगा पीएगा। क्या क्या मिलता है खाने को? सब वेज नॉन वेज ड्रिंक। बहुत महंगा तो होगा, मेनू है देख लो, जानता है दिखा दो जाने का तो इधर बैठ के देख लो। ये बताओ कुछ ऑर्डर करेंगे तो कितनी देर तक बैठ सकते हैं? कुछ टाइम होगा ना? टाइमिंग नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहेंगे तक बैठने का, बैठो शाम तक। शाम तक बैठो। ऑर्डर कितना करना तक बैठो? कितना ऑर्डर करना है? ब्रेकफास्ट में कोई आइटम बताओ ना, मैं ड्रिंक ही ड्रिंक तो है सब जो चाहिए आपको सब है। इधर आए ब्रेकफास्ट, इधर से चालू होता है, यहाँ से आगे स्टार्टर से, इधर स्टार्टर से, इधर स्नैक्स से। भाई देखो कोई ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बैठ के आराम से। पापड़ 120 रुपये की है, प्लेन वेज रायता, भाई कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यार। बैठने में उसका चार्ज नहीं लेते हो, पैसा देके बैठे रहे हैं। इधर तरफ नहीं मिलेगा भाई, बाहर चलो ब्रेकफास्ट वगैरह करके आते हैं। अभी नाश्ता वास्ता भी तो नहीं किए हैं।
इसको डायरेक्ट किराए पे ले लो, दिन भर के लिए घूम के आते हैं। पूछ लो कितना देता है। रेंट रेंट पे मिलता है ये, कितना रहता है दिन भर का वन डे रेंट? दिन भर का? हाँ, ये 30 सेकंड का 400 रुपये लेते हैं। दिन भर के लिए नहीं मिलता है, मतलब एक आध ट्रिप के लिए दे दो। ये बहुत महंगा पड़ेगा पूरा दिन का। नहीं मतलब 2 घंटे के लिए। बहुत महंगा पड़ेगा यार। फिर भी लगभग कितना होगा? 50,000। 50,000 दो घंटे का? बहुत पे। ये जूता ले लो रेगिस्तान वाला, अच्छी वो वाला है सर। इसका कितना चार्ज लगता है? प्लाईवुड। ये इसका कितना पैसा लगता है? पैसा हाँ 2,200। कितने सेकंड? 20 मिनट। डिस्काउंट? डिस्काउंट नहीं होगा भाई। डिस्काउंट नहीं होगा? डिस्काउंट 25 भाई। 2,200। 2,000 में नहीं चलोगे? एंड ब्रेकफास्ट करके आप